नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग के अधिकार पर एक बड़ा ऑर्डर आया है। नए फरमान के मुताबिक जम्मू में एक साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले लोग अब आगामी चुनावों में वोट डाल सकेंगे। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक वो लोग भी अब जम्मू में वोट डाल सकेंगे जो एक साल से ज्यादा वक्त से जम्मू में रहते हों। जम्मू कश्मीर में काफी वक्त से उन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलने की बात की जा रही थी जो वहां के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन अपनी नौकरी या व्यापार की वजह से वहां पर रहते हैं। अब जम्मू में आए ऑर्डर के बाद ऐसे लोग वोटर बन सकते हैं और वोटिंग लिस्ट में अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाकर वोट डाल सकते हैं। अब हम आपको वो ऑर्डर भी दिखा देते हैं जिसमें नए वोटर के लिए नया ऑर्डर जारी हुआ है, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जम्मू की डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जारी हुआ ऑर्डर है। वोटर लिस्ट बनाने वालों को गाइडलाइंस दी गई हैं और कहा गया है कि एक साल से अधिक रहने वालों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाए। एक साल से ज्यादा वक्त से रहने वालों को सबूत देने होंगे कि वो जम्मू में पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं और प्रूफ के तौर पर पानी, बिजली और गैस का एक साल पहले का कनेक्शन भी मान्य होगा। अब सरकार के फैसले का विरोध क्यों हो रहा है, आपको यह भी बता देते हैं। नए फरमान से जम्मू कश्मीर में 25 लाख नॉन लोकल लोग वोटर बन जाएंगे। पाकिस्तान से आए शरणार्थी वोटर बन जाएंगे, कश्मीर में बसे बाहरी लोग भी वोटर बन जाएंगे और लोकल दलों का जो जनाधार है वो इससे कम हो जाएगा। और इसी वजह से इसका विरोध पीडीपी भी कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी किया गया है। पीडीपी ने इस फैसले का विरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ऐसा नियम देश में कहीं नहीं है। बीजेपी ने बाहरी लोगों को वोटर बनाने की साजिश रची है ताकि लोकल लोगों के वोट की कीमत खत्म की जा सके। महबूबा ने कहा कि बीजेपी के इरादे नाजायज हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटने की साजिश है। जवाब में बीजेपी ने कहा है कि संविधान इसकी इजाजत देता है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है, क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास, अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को ख़त्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसियों को इस तरह से किया कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए, तो इसलिए अब उन्होंने ये वोटर जो है इसका एक कानून बनाया है जो कि मुल्क में कहीं भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के सिवा ये कहीं नहीं है। देखिए, वोट के बारे में हमारी पॉलिसी है कि जितने भी ऑनरेबल लोग बाहर के हैं उनको तो वोट देना नहीं चाहिए। वो अपनी आज तक जैसे लिफाफों में पूरी कंट्री में सिस्टम है कि जो बाहर वाला होता है वो अपने अपने स्टेट में वोट दे सकता है। वो मैं वोट से उनको महरूम नहीं रखना चाहते हैं, वो अपनी स्टेट में, जिस भी अपनी अपनी स्टेट में हैं उनको वहाँ से वोट आएगा, वो अपनी स्टेट में वोट डाल सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में यहाँ की एक अहमियत हमेशा रही है कि सिर्फ लोकल वोट देने चाहिए। तो देखिए, इसका अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, आरती टिक्कू, कश्मीरी पंडित, अश्विनी हांडा, नेता डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, शौकत अली, प्रवक्ता पीडीपी। बहुत स्वागत है आप सभी का। शौकत अली जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ। क्यों लगता है आपको कि अगर बाहर से आए हुए लोग, यानी कि वो लोग जो इस देश के वासी हैं और कश्मीर में काम करते हैं या किसी भी सिलसिले में एक साल से ज्यादा रह रहे हैं, तो वो बीजेपी की साजिश है उनके वोट का अधिकार मिलना? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये कहा था कि यहाँ 20 से 25 लाख वोटर्स जो हैं वो नए ऐड होने वाले हैं, जिसमें जो है वो बैरून रियासत लोग जो हैं जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्टे कर रहे हैं, तो उनको भी ये राइट होगा कि वो वोट डालेंगे। हमारा ये कहना है कि हजारों लाखों लोग जम्मू कश्मीर के
डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो नौकरियां कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, क्या एक भी ऐसी स्टेट है जहां पर उनको वहां उस स्टेट में जो है वो हक दिया गया हो वो वहां पर वोट डाले? या ये तजर्बा जो है ये जम्मू कश्मीर में ही सिर्फ किया जा रहा है? और दूसरी बात ये कि यहां पर सिर्फ बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी की अंदरूनी क्या उसकी मजबूरी है वो सामने नहीं बोलती है, यहां पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, यहां के कौन से रेजिडेंट्स हैं जो ये कबूल करेंगे कि आप हमारी कीमत पर, यानी कि हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए आप बाहर के लोगों को, आइडेंटिटी कैसे खत्म हो रही है शौकत अली जी, आइडेंटिटी कैसे खत्म हो रही है? अगर जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं, सुनिए सर, एक मिनट सुनिए, अगर जो लोग जम्मू में रह रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं जम्मू के विकास के लिए, वहां पर काम कर रहे हैं, जिस भी सिलसिले में एक साल से ज्यादा जम्मू में रह रहे हैं, क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको अधिकार? इसमें दिक्कत क्या, और कैसे आपको लग गया कि लोकल लोगों की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? दिल्ली में भी तो लोग जो बाहर से आते हैं, सुनिए सर एक सेकंड, देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में भी जो लोग बाहर से रहते हैं, क्या उनको वोट का अधिकार नहीं है? और क्या इससे दिल्ली वासियों का जो पहचान है, जो अधिकार है, वो खत्म हो जाते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में कुल जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है, वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है। आप 25 लाख बोल रहे हैं, आप कल को 50 लाख लोगों को यहां ऐड कर दोगे और फेक वोटर्स बना दोगे, तो क्या वो फायदा जो है वो बीजेपी को नहीं जाएगा? और हमारी आइडेंटिटी कैसे खत्म नहीं होगी? आप जम्मू कश्मीर के लोगों पर बीजेपी को भरोसा नहीं है कि वो उसको वोट देंगे? जम्मू कश्मीर के लोग क्या अलग लोग हैं शौकत अली जी? पहले छोटी सी बात मुझे समझाइए, जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा है ना, जो नियम देश के बाकी हिस्सों पर लागू होते हैं वो क्यों नहीं लागू होंगे जम्मू कश्मीर पर भी? सबसे पहले आप मुझे समझाइए। वही तो मेरा सवाल है कि मुझे एक स्टेट, एक हिस्सा, एक डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। संविधान से अलग है सर क्या ये? संविधान से अलग है क्या ये? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के तहत ये अधिकार मिलता है मैडम। सिर्फ क्या जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के लिए सही है वहां कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है, जहां पर नहीं होता वहां कॉन्स्टिट्यूशन। आप दिक्कत नहीं बता पा रहे सर मुझे, आप ये नहीं समझा पा रहे कि आम लोगों की वहां पर कैसे, जो वहां की लोकेलिटी है उसकी पहचान कैसे खतरे में आ जाएगी? बीजेपी का जो मसला है उसका जवाब मुझे अभी शहजाद दे देंगे, मैं उनसे वो सवाल पूछ लूंगी। पहले आप इस बात का जवाब दीजिए सर, आप जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, आप जो ये कह रहे हैं कि बाहरी लोग कौन होते हैं शौकत अली जी, बाहरी लोग कौन होते हैं समझाइए मुझे। जम्मू कश्मीर में अगर फर्ज कीजिए उत्तर प्रदेश का कोई इंसान जाकर काम कर रहा है तो वो बाहरी हो गया शौकत अली जी, जम्मू कश्मीर क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? नहीं, देश का हिस्सा है या नहीं है वो आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। नहीं, आप बताइए ना मुझे, मुझे तो मालूम है सर, आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है कि आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, दिल्ली में तो आइडेंटिटी खत्म नहीं हो रही है, दिल्ली में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो काम के सिलसिले में आकर यहाँ रहते हैं और यहाँ वोटिंग का अधिकार उनको प्राप्त है। आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए जहां पर जम्मू कश्मीर के किसी आदमी को बाहर किसी रियासत में ये अधिकार दिया गया हो कि वो वहां वोट डाले, बताइए मुझे। चलिए शहजाद जी, इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपकी साजिश है क्या, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जम्मू कश्मीर में वोटर्स के दिलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी वजह से बाहरी वोटर्स का सहारा आपको चाहिए। देखिए, जब से बारामुल्ला और जिस रजौरी में जो रिस्पांस मिला है अमित शाह जी को, तब से ये परिवारवादी पार्टियां जो है वो मूलतः ही लोकतंत्र के खिलाफ काम करती है, उनमें बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, और 370 पैंते से हटने के बाद तो और भी ज़्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, पहले तो ये कौन बात कर रहा है चुनाव की, जिन्होंने 87 का चुनाव रिग कराया, जिनके चुनाव के समय पर 2-3% वोटर टर्नआउट होता था, जिन्होंने वाल्मीकि समाज को 60-70 वर्ष तक अपने अधिकारों से वंचित रखा, जिसमें कि वोट डालने का अधिकार भी था, वो लोग आज चुनाव और फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले तो फेक न्यूज उन्होंने बताया, 25 लाख वोटर नहीं जुड़ रहे, इसका खंडन पहले ही जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया था। मात्र 10 लाख वोट जुड़ेंगे, और वो भी क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि 66 लाख से 76 लाख इसलिए होगा क्योंकि 1-10-20-22, मुझे लगता है एक एक करके हम बात कर ले, उसके बाद वो जो काउंटर शौकत अली को करना है वो करते रहे। 1-10-20-22 के बाद देखिए, फ्लो तोड़ना ये अच्छी बात नहीं होती, फ्लो तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। मैंने बात उनकी सुनी है, मुझे एक बार अपनी बात रख देने दीजिए, उसके बाद आप अपनी क्लैरिफिकेशन
ऑप्शन दीजिए, 1/10/2022 के बाद जो भी वोटर 18 की वर्ष के उम्र से ज्यादा है उनको भी तो वोटर लिस्ट में आने का अधिकार होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर के युवा ही है और ये पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं, ये पहले तो ये लोग चुनाव 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 करते हैं, जब पहले डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया गया तब इन्होंने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लागू रखा है, फिर ये बोल रहे हैं अब इलेक्टोरल रोल्स ना हो, ये चुनाव चाहते नहीं चाहते, इलेक्टोरल रोल्स की प्रक्रिया ये होती है प्राची जी कि इलेक्टोरल रोल्स में सुधार नॉर्मल प्रोसीजर से होते रहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी है और आरपीए एक्ट 1951 भी है जिसका आपने जिक्र किया। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूं मूलतः, परंतु मैं 10 वर्षों से दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, तो मैंने जब अपना वोटर लिस्ट में नाम यहां पर वहां से कटवाकर यहां पर डलवाया तो मुझे अधिकार मिला है, मैं नोएडा में वोट डालता हूं अपना। ऐसी प्रक्रिया पूरे देश में हो सकती है। ये प्रक्रिया जो हो रही है वो जहां पर जो रेसिडेंट है, जो वहां पर निवासी है, उन्हीं लोगों का नाम आएगा लिस्ट में। तीसरी बात और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आइडेंटिटी की उन्होंने बात की, आइडेंटिटी खत्म हो रही है। अरे भाई साहब, ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम लिखा है, मां शारदा पीठ के से पहचान है इनकी, ये अध्यात्म का केंद्र है, हिंदू आस्था का बड़ा सबसे बड़ा केंद्र था, 7 बार नरसंहार हुआ और 7वीं बार जब नरसंहार हुआ, जब आपकी और कांग्रेस की और बाकी लोगों की सरकारें थी, तब 7 लाख कश्मीरी पंडितों को मारकर नरसंहार करके रलीफ सलीफ गलीफ कहकर मस्जिदों से उनको बाहर निकाला गया, आरती टिक्कू जैसे लोग थे उसमें शामिल, तब यह डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ, तब यह प्रोफाइल और आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ। आज जब कश्मीरियों का उनका अधिकार उनको वापस दिया जा रहा है, जब वहां पर जो मूल वहां पर पीपीपी की राजनीति खत्म हुई है, परिवारवाद, पत्थरबाजी और पाकिस्तान परस्ती, और आज वो खत्म होकर डिसेंट्रलाइजेशन, डेवलपमेंट और डायलॉग की राजनीति शुरू हुई। और आपको मैं एक बात बताऊं, पहले जमहूरियत क्या था? 3 परिवारों के लिए जमहूरियत था, 6 लोकसभा सीटें होती थी, 87 विधानसभा सीटें, आज 30,000 लोगों को 30,000 लोग चुने, 30,000 लोग चुने गए हैं, चाहे वो तहसील चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव में क्या दीजिएगा कि आइडेंटिटी कैसे खतरे में पड़ रही है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। छोटा सा रिएक्शन इस बात, मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे थे, मुझे ये बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के किस शहरी को किस स्टेट ने जो है अधिकार दिया है इलेक्शन में वोट डालने का, एक। और दूसरा, ये अभी साथी कह रहे थे कि जनाब ये इलेक्शन जो है ये नहीं चाहते हैं, वहां जो डिलिमिटेशन आपने की वो इस हिसाब से की कि बीजेपी को फायदा हो जाए, अब बीजेपी और जम्मू में जो बाहर से रह रहे हैं लोग, बाहर से का मतलब हिंदुस्तानी है, वो अपने किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए रह रहे हैं, अगर वहां पर वो वोट करना चाहते हो तो उनका अधिकार ये है, संविधान उनको ये अधिकार देता है। ये बारी बारी शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप, बाकी हिंदुस्तानियों के लिए भी मैं इसका जवाब दे दूं, मुझे तो इस बात पर भी आपत्ति है, मैं इसका क्लैरिफिकेशन तुरंत दे देता हूं, शायद 10 सेकंड में दीजिएगा, बाकी मेहमान दोनों ही सवाल का जवाब दे देता हूं। शौकत जी, आपने सवाल पूछा है, जल्दी शौकत जी आपने सवाल पूछा है, कृपया करके थोड़ा पेशेंस भी रखिए। देखिए, उन्होंने पहले कहा डिलिमिटेशन बीजेपी के फेवर में हो, डिलिमिटेशन एक एक्ट के तहत होता है, पार्लियामेंट का 2002 का एक्ट है और उसके ऊपर एक कमेटी बैठती है और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है और उसको खारिज कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में, प्लीज आप इंटरप्ट ना करें, तथ्य दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर में आज भी पॉपुलेशन 52-53% है, सीट उनके पास 52-53% है, जम्मू में आज 44-45% पॉपुलेशन है, 45-46% सीट उनके पास है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के वोटर क्यों, अगर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रह रहा है 10 साल से 12 साल से, वो अपना नाम वहां से कटवा के फॉर्म 6 भर के वो वहां का महाराष्ट्र का वोटर बन सकता है? अरे जमीनें, ये लोग जमीनें कश्मीरी खरीदते हैं बहुत सारे, बाकी मेहमान भी हूं, मैं चर्चा में ले आता हूं, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, मेरे पास बाकी मेहमान भी है ना सर, मैं फिर आपके पास दोबारा आऊंगी, अपनी बारी का इंतजार करिए, तब मैं आपके पास आऊंगी, रुकिए सर, बाकी मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करने दीजिए। इफ्रा खान भी हमारे साथ जुड़ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है। इफ्रा खान जी रुक जाइए 1 सेकंड, आपके आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना डिबेट शौकत अली जी, आपकी बारी खत्म हो गई, बाकी मेहमानों को ले आऊं चर्चा में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए, रुक जाइए 1 सेकंड सर, 1 सेकंड रुक जाइए, आपके सवाल तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और मेरे सवालों का जवाब ही नहीं है आपके पास। इफ्रा जान जी, इस बात का जवाब दीजिए, अगर बाहर से आए हुए लोग जो हिंदुस्तानी हैं और जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, जम्मू में रहते हैं पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त में, उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए वोटिंग का अधिकार? इसमें साजिश कहां से दिखने लगती है आप लोगों को? पहली बात तो मुझे ये साजिश हमको तब दिखाई देती है जब भी इलेक्टोरल रोल्स तैयार भी नहीं हुए होते हैं और बीजेपी की सरकार इलेक्टोरल रोल्स तैयार होने से पहले ही बोलती है कि 25 लाख वोटर ऐड करने हैं। भाई अभी लोगों ने फॉर्म तक नहीं भरे हैं, आपको कैसे पता 25 लाख ऐड होने वाले हैं? अगर साजिश नहीं है तो 25 लाख का नंबर ऑलरेडी कैसे आ जाता है? क्या आपने कोई जनसंख्या का
कोई सेंसस आप करा रहे हैं कि आपको सेंसस से पता चल जाता है 25 लाख ऐड होने वाले हैं? नहीं, सेंसस तो कोई हो नहीं रहा। तो बीजेपी की गवर्नमेंट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अभी फॉर्म्स खुले भी नहीं है, कहती है कि क्या आप लोगों को पता है 25 लाख का नंबर हम ऐड करने वाले हैं। ये साजिश नहीं है तो फिर क्या है? अगर साजिश नहीं है तो 25 लाख का नंबर कहां से आया? अच्छा, 25 लाख को मैं हटा दूं अगर, एक सेकंड इफ्रा जी, अब लेट मी कम टू द सेकंड पॉइंट। जी, मैं अगर इस 25 लाख के आंकड़े को हटा दूं, एक सेकंड इफ्रा जी, एक सेकंड चीज को जरा क्लियरफाई कर लेते हैं। अगर मैं 25 लाख के आंकड़े को हटा दूं और मैं ये मान लूं कि 25 लाख वाली बात नहीं है, सुनिए ना, एक बात का जवाब दीजिए। अगर कोई हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर में रहता है, जम्मू में रह रहा है, पिछले एक साल से ज्यादा वक्त उसको हो गया है, आपके मुताबिक उसे वोटिंग का अधिकार मिलना सही है या गलत है? छोड़ दीजिए बीजेपी ने क्या कहा, है तो मिलना चाहिए। अगर उससे वहां लाया गया है कि 25 लाख हमको ऐड कराना है ताकि यहां का नंबर ट्वीक हो, क्योंकि हमको यहां कोई नहीं, फ्रजी आपने बड़ी बात कही ना, तो पहले इस पॉइंट पर आते हैं, मिलना चाहिए अधिकार, आप ये मान रही है ना, क्योंकि वो भी देख रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। आप क्यों घबरा रही हैं? बात तो करने दीजिए। मैडम, मैं क्यों घबराऊंगी, मैं तो बस क्लियर कर रही हूँ एक एक पॉइंट को, मैं घबरा नहीं। अभी तो मैंने कोई शुरुआत ही की है, पॉइंट नंबर टू भी है, थ्री भी है। पॉइंट नंबर टू, आप कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर क्या पूरे इंडिया का पार्ट नहीं है? अजीब सी बात है, जब आप पहली बार एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पूरी इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है, तब आपको ये नहीं याद आता अरे ये लोग भी तो हमारे ही लोग हैं, तब यहाँ की सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये चित भी मेरी जब अपने काम निकालना है तो सिचुएशन डिफरेंट है, जब दूसरा कोई जवाब बोल रहा है तो कह रही हो अरे क्यों, क्या आप पार्ट नहीं हो? या तो सिचुएशन डिफरेंट है या तो हम पार्ट हैं, सेम रूल्स अप्लाई होने चाहिए। तो जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, तब आपसे मैंने ये सवाल नहीं सुना इतना जोर जोर से। नहीं, आपको दिक्कत किस बात को लेकर है? आपको दिक्कत किस बात को लेकर है इफ्राजान जी, आपको दिक्कत किस बात को लेकर है? 370 हटा, यूनियन टेरिटरी बनी, रुकिए, यूनियन टेरिटरी बनी, और जम्मू कश्मीर कोई ऐसा पहला राज्य तो है नहीं कि वो केंद्र शासित राज्य है, देश की राजधानी दिल्ली भी तो केंद्र शासित राज्य है, तो क्या वहां के लोग हमारे लोग नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है? ये कौन सा पॉइंट और किस तरीके से समझा रही है इस मसले को आप? ऐसा कौन सा राज्य है जो पहले स्टेट था और उसको यूटी में कन्वर्ट किया गया, प्लीज बता दीजिए एक स्टेट। तो पहला ऐसा कोई स्टेट भी नहीं था ना जहां पर 370 लागू थी और उसे हटाया गया हो, ऐसा कोई स्टेट भी नहीं था ना जहां के लोगों के दिमाग में ये भरा गया हो कि आप हिंदुस्तान के पार्ट नहीं है, ऐसा कोई स्टेट भी नहीं है फिर, ऐसा कोई स्टेट भी नहीं है फिर। इस तरीके की राजनीति करना बंद कर दीजिए, इस तरीके की राजनीति करना बंद कर दीजिए, ये सारी बातें अब एक्सपोज हो चुकी हैं इफ्रा जी। अरे मैम, लेट द बीजेपी स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्ड, कभी समझ नहीं आता आज पत्रकार बैठी है या बीजेपी की। शुरू हो गया आपका ये ड्रामा, शुरू हो गया है आपका ड्रामा, जब आपसे आपका सवाल पूछ लिया जाए तो आप पत्रकारों पर आ जाइए, बहुत पुराना हो गया मैडम ये स्टंट, अब नहीं चलेगा और मैं इस बात पर ध्यान भी नहीं दूंगी, आपको जो कहना है आप कहते रहिए, मैं दूसरे मेहमान की तरफ आगे बढ़ जाऊंगी अगर आप मुद्दे को इस तरफ लेकर जाएंगी। आरती टिक्कू जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं तो सवाल पूछूंगी आपसे कि आपको आपत्ति क्या है अगर कोई हिंदुस्तानी को वहां पर वोटिंग का अधिकार मिल रहा है तो। आरती टिक्कू जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रही हैं? अगर जम्मू में किसी भी हिंदुस्तानी को जो वहां बहुत समय से रह रहा है वोटिंग का अधिकार मिलता है तो क्या इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए? रुक जाइए मैडम, आप दोनों की बात आ गई अब, एक सेकेंड आरती जी, प्लीज आप मुझे अपनी बात फिनिश करने, मैं आपको फिनिश करने देती मैडम, लेकिन आप उल्टा मुझ पर पर्सनल अटैक करेंगी तो मैं बात फिनिश कैसे करने दूंगी आपको? आप मुद्दे को दूसरी तरफ शिफ्ट मत करिए। आरती जी, करने दे रही हैं ऑपोजिशन को, मुझे अपना पॉइंट कंप्लीट करने दे रही हैं ना। आरती जी, हाँ, प्राची देखिए, ये बहुत ही अजीब बात है कि ये सभी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस हो, ये आज बौखला गए हैं कि जो मजदूर जम्मू में काम कर रहे हैं एक साल से, या जो लोगों की नौकरियों की ट्रांसफर होने के वजह से वहां बैठे हैं और जी रहे हैं, इनको ये बौखला गए हैं कि उनको वोट क्यों मिले, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 लाख लोगों को निकाल के, 3 लाख लोगों का सफाया करने के बाद इनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि उनके वोट कहाँ गए। ये वो लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीरी हिंदू जो है वो आज भी कश्मीर में नहीं है,
तो ये लोगों को आपत्ति ये हो रही है कि जो मामूली लोग हैं, जो मजदूरी करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं जम्मू में, उनको तो कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए भारत के संविधान में। हाँ। उनको तो कोई वोट मिलना ही नहीं चाहिए। ये अजीब और गरीब मामला है। इन लोगों की राजनीति जो है, इससे मुझे लगता है कि इससे बाह्यात राजनीति कहीं नहीं होगी दुनिया में। दूसरी बात कि देखिए, मैं दिल्ली में हूँ और मैं जब कश्मीर से हूँ, लेकिन चूंकि मैं यहाँ रह रही हूँ, तो इसका क्या ये मतलब कि मुझे अधिकार नहीं होना चाहिए वोट देने का दिल्ली में? भाई, मेरे बिजली का प्रॉब्लम है, मेरे पानी का प्रॉब्लम है, कौन सुलझाएगा? क्या मेरी सड़कों का इशू है? कौन रुक जाइए, शौकत अली जी कंप्लीट करने दीजिए, एक एक करके बात करेंगे इस चर्चा में, रुक जाइए एक सेकंड। लेकिन इन लोगों को आपत्ति है कि जम्मू कश्मीर में जहां पे इन लोगों ने अपनी मनमानी से, गुंडागर्दी से पूरा एक समुदाय को सफाया किया, और ये इन्होंने इंश्योर किया कि सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम लीडरशिप जो सेपरेटिज्म चला रही है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, आपकी बात सिर्फ इतनी है कि जो भी शख्स रह रहा है जम्मू में, वो वहां की कंडीशन से बेहतर वाकिफ है, और इसीलिए उसे अपने अधिकार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। अश्विनी जी, वोटिंग का अधिकार अगर मिल रहा है किसी को, तो इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न है जो जम्मू कश्मीर के आवाम के प्रश्न है, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि ये इन सवालों का जरूर जवाब दें कि आखिर ये जिस जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी कंट्री हैं जो ऑन अराइवल वीजा देती हैं, ये उसी तरह का भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, ऑन अराइवल वोटर कास्ट। अगर देश के अंदर ये प्रावधान है कि आप पोस्टल बैलेट तरीके से आप अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकते हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता पड़ रही है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का प्रयोग करने की? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो अधिकार वोटर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अगर वो एक साल, एक महीने या दो साल, तीन साल के लिए वो वोटर वोट कास्ट करता है, तो जब हमारा एमएलए चुना जाएगा तो वह उस एमएलए से कैसे वो चीजें अधिकार अपने लेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। अब मैं बताता हूं कि क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी ऐसा। इसलिए कि 89 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, उसमें 25 लाख जब वोटर जुट जाएंगे तो उनकी रेशो जो है वो 30% की बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को अब पूरा यकीन हो गया है कि अब वह जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार या उनके लोग जीत नहीं सकते हैं, तो वह इस प्लान के तहत आज जम्मू कश्मीर में जो है वो बाहर से वोटर लाकर इंपोर्ट करके जम्मू कश्मीर की सत्ता को हटाना चाहते हैं। लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी को डीडीसी में लोगों ने बता दिया इनका पूरा क्या इनको उसमें हासिल हुआ, और बीडीसी की हालात कैसे हैं? ठीक है अश्विनी जी, इस बात का जवाब मैं जरूर शहजाद जी से लूंगी कि उन्हें बाहरी वोटर्स की जरूरत क्या पड़ी। लेकिन सर, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं इस देश की नागरिक हूं तो मैं किसी भी कोने में रहूं, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये राइट है कि मैं वहां पर वोटिंग राइट हासिल कर सकूं, मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाए और मैं वोट दे सकूं, क्योंकि मैं रह रही हूं वहां पर, मुझे पता है कि मेरे इलाके की समस्या क्या है, ये मेरा अधिकार होना चाहिए। मैं उसकी फैसिलिटी जो है वो पोस्टल वोटर के हिसाब से। अरे सर, मैं जिस जगह पर रह रही हूं मैं उसके अधिकार पर भी तो वोट करूंगी ना। तो शहजाद जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं ब्रेक से वापस लौटने के बाद, आपके जो तमाम सहयोगी हैं राजनीति में या जो आपके विरोधी बैठे हुए हैं इस वक्त, वो एक पॉइंट जरूर उठा रहे हैं कि 25 लाख का आंकड़ा आपके पास कैसे आ गया? आप लोगों को लेकर आएंगे, और फर्जी वोटर्स का जिक्र भी यहां पर कुछ लोग कर रहे थे कि फर्जी वोटिंग के जरिए, फर्जी वोटर्स के जरिए आप दरअसल अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, आप सत्ता पाना चाहते हैं। देखिए, कम से कम झूठ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने आंकड़ा दिया था, बीजेपी ने आंकड़ा दिया था। ये मेरे पास न्यूज़ रिपोर्ट है और इसका आप चेक कर सकती हैं जब डिबेट शुरू है, कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, जेके एडमिन ऑन रिपोर्ट्स ऑफ इंक्लूजन ऑफ 25 लाख वोटर्स। फिर उन्होंने आगे जाकर यह भी बताया है कि कितने वोटर थे 2011 के हिसाब से और कितने वोटर आज की तारीख में, और जो 10 लाख वोटर बढ़े हैं वो भी इसलिए बढ़े क्योंकि 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा आपकी उम्र हो जाती है या आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं तो
आप री रजिस्टर करवाते, सुधार होते हैं, तो उसकी वजह से ये 10 लाख का आंकड़ा बढ़ा है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहली बार बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में। पहली बार 370 और 35 से हटने के बाद लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है। पहली बार है जब ये केंद्रीय कानून नहीं लागू होते थे, ACB नहीं बना था, भ्रष्टाचार होता था, RTI नहीं लागू होती थी, RTE लागू नहीं होती थी, आज वो भी लागू हो रहा है। टेरर हॉटस्पॉट हुआ करता था, आज टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है जम्मू कश्मीर, 1,62,00,000 टूरिस्ट आ रहे हैं इस वर्ष, ये भी पहली बार हो रहा है। देखिए प्राची जी, एक एक करके हम चर्चा कर सकते हैं। बार बार जब मैं जनता के बीच में संवाद करने की कोशिश करता हूं तो ये अगर बीच में बोलेंगे तो जनता कैसे सुनेगी मेरी बात। अपने समय पर बोले, अपने समय पर बोले, कोई समस्या नहीं है, आप अपने समय पर जरूर बोले, समय पर भी कोई ना बोले, मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर करिएगा। देखिए पहली बार टेरर हॉटस्पॉट से हटकर आज टूरिज्म हॉटस्पॉट बन रहा है जम्मू कश्मीर। 50% से ज्यादा गिरावट हुई है आतंकवाद में, 90% से ज्यादा गिरावट हुई है पत्थरबाजी में। और आज पहली बार, इनको तब दिक्कत नहीं थी कि जब सरकारी नौकरियों में सलाउद्दीन के बच्चों को, जब गिलानी के बच्चों को नौकरियां मिलती थी तब उनको कोई इनका पेट का पानी नहीं हिलता था, पर आज उनको लात मारकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी मिल रही है, 2 लाख हाउस होल्ड को नौकरियां मिली है, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 70 वर्ष में आया, आज 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 370 हटने के बाद आ रहा है, आज 23 साल में पहली बार मूवीज फिर से जम्मू कश्मीर में स्क्रीन हो रही है, तो ये भी पहली बार ही हो रहा है। और इसके पीछे कारण यह है कि आज सिक्योरिटी सिचुएशन वहां पर संभली है। परंतु मेरे सवाल है, 2-3 सवाल है, मुझे एक बात बताइए कि ये तो विरोध करने के लिए विरोध, देखिए ना इनका कैसा है। 1989 की कैबिनेट में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था पहाड़ी समाज को, उनकी कैबिनेट थी जम्मू कश्मीर की, पहाड़ी समाज को, गुज्जर समाज को और बकरवाल समाज को ST स्टेटस मिलना चाहिए, परंतु कांग्रेस और फारूक साहब की सरकार होने के बावजूद भी पहाड़ी समाज को नहीं दिया गया। आज पहाड़ी समाज को ST स्टेटस दिया जा रहा है तो उसका विरोध वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और ST स्टेटस जो गुज्जर और बकरवाल को भी मिला था वो पूरी तरह से लागू हुआ नहीं, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है ST वाला, केंद्र का कानून लागू ही नहीं होता था, तो आज उसका भी विरोध किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये केवल विरोध के लिए विरोध है, ये केवल 3 परिवारों तक ही सत्ता सीमित रहे, ये इसके लिए विरोध है, और इसीलिए उन्होंने कभी भी जमहूरियत को ग्रासरूट तक पहुंचने नहीं दिया। अश्विनी जी, इस बात का जल्दी से जवाब दीजिए कि ये सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध है या वाकई में आपको लग रहा है कि कोई साजिश हो रही है, इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं? सज्जाद भाई को मैं बोलना चाहूंगा कि वाकई आपने जो जितना सफेद झूठ बोल रहा है वो काबिले तारीफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने इंडस्ट्री की बात की थी, आपने 56,000 करोड़ रुपए की बात की, तो मैं आपके अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए देश को कि कितने भारत के इन्वेस्टरों ने वहां पे इन्वेस्ट किया है। आपको आखिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि आपको दुबई से इन्वेस्टर लाने पड़ रहे हैं? भारत का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। रही बात आतंकवाद की, आपने आतंकवाद की बात की, तो आतंकवाद ऐसा पहली बार हुआ है कि 1999 के बाद कश्मीरी पंडितों को फिर से विस्थापन सहना पड़ रहा है और कश्मीरी पंडितों को टारगेटेड किलिंग की जा रही है, यह भी पहली बार हुआ है। 21 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं कर दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं करती है, उनके लिए क्या किया? आज भी कश्मीरी पंडित जो है वो सड़कों पे है इसको लेकर कि हमें कश्मीर नहीं जाना है, हमें जम्मू में जो है वो जॉब दी जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उनके खिलाफ आप ऑर्डर निकालते हैं कि इमीडिएट आप जॉब को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल अश्वनी जी, देखिए इस पर आप सवाल कर सकते हैं, जो शहजाद जी ने आंकड़े गिनाए हैं उस पर आप सवाल कर सकते हैं। आपके बिल्कुल सर, इस पर आप सवाल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या बदलाव कर दिया जिसके सपने आपने दिखाए थे। मैं शहजाद आपके पास आऊंगी, शौकत जी भी काउंटर करना चाह रहे थे, शौकत जी आप काउंटर करिएगा, लेकिन मैं आरती जी की भी बात जोड़ देती हूं आपके सामने। आरती जी कश्मीरी पंडित हैं और वो जानती है वहां पर किस तरीके के हालात थे, उन्होंने बताया कि वोटिंग का अधिकार मिलना क्यों जरूरी है जो लोग वहां पर रह रहे हैं कई सालों से। मैं अपनी बहन के लिए एक सेकंड अश्वनी जी, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। कश्मीरी पंडितों की आबादी जो है वो 6 लाख की है, लेकिन 1 लाख को ही क्यों अधिकार है वोटर का, ये मैं आप सजग। अच्छा चलिए ठीक है, आप पूछ लीजिएगा दोनों से। मैं शौकत जी, 6 लाखों को भी आप, अरे एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड। शौकत जी, मैडम मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, आज आप उनको ये अधिकार देते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों को इलेक्ट करिए, वो कल को यहाँ से बोरी बिस्तरा क्लोज करके वो अपने अपने स्टेट्स में चले जाएंगे, तो क्या वो हमारे अधिकार को जो है वो वायलेट नहीं कर रहे हैं क्या? और कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और BJP। और दूसरी बात, जिस एजेंडे पर हमारी डिबेट हो रही है उसी एजेंडे पर जवाब देना चाहिए BJP के प्रवक्ता को। मैंने इनसे एक सवाल पूछा था कि आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के कितने लोगों को आपने किन किन स्टेट्स में ये अधिकार दिया है कि वो वहां पर वोट डालें? क्या पोस्टल बैलेट का जो है प्रोसीजर हमारे इलेक्शन लॉज में नहीं है जैसे पहले होता आया है?
अगर कोई भी आदमी वोट डालना चाहता है वो अपने उस पोस्टल बेल्ट के थ्रू जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता है, मगर अपनी स्टेट में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में। अरे शौकत जी, एक बात बताइए, तीसरी बात ये कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके इस ऑर्डर में कहां लिखा है कि वो लोग वहां से अपना वोट कटवाएंगे, एनओसी लाएंगे। अरे सर, ये प्रोसीजर होता है, मैं शौकत जी आपको बता दूं, रुकिए, ये तो प्रोसीजर होता है, ये नियम होते हैं, ये कानून है इस देश का, आप इस बात को पहले समझ लीजिए। अगर मैं एक मिनट रुकिए सर, अगर मैं अपने नेटिव प्लेस से अपना वोट कटवाकर अगर मैं दिल्ली या नोएडा में बनवाना चाहूं तो मुझे पहले नेटिव प्लेस से कटवाना होगा, ये नियम है सर, इसे पहले क्रॉस चेक करेगा इलेक्शन कमीशन। अरे सर, ये नियम है, हर नियम या हर ऑर्डर आपको दिखाना थोड़ी ना पड़ेगा, आप पहले पढ़ लीजिए जाकर, आप पहले पढ़ लीजिए जाकर शौकत जी, फिर उसके बाद मुझसे इस बात पर बहस करिएगा। एक सेकंड फिर शहजाद जी आपकी बातों का जवाब देंगे, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप पोस्टल बैलेट का आप जिक्र कर रहे थे, सर मुझे एक बात बताइए, मैं रहती हूँ अगर नोएडा में और मैं 2-3 साल से अगर नोएडा में रह रही हूं तो मुझे बताइए कि मैं यहां की समस्याओं को बेहतर जानूंगी या अपने नेटिव प्लेस की समस्याओं को बेहतर जानूंगी? मेरा अधिकार यह कहता है कि मैं अपनी उन समस्याओं के आधार पर यहां वोट दूं या जहां मैं रह ही नहीं रही मैं वहां जाकर अपना वोट कास्ट कर दूं पोस्टल बैलेट के जरिए। मतलब क्या है सर, वोट देने का मतलब क्या होता है, समझाएंगे मुझे? वोट देने का मतलब होता है अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करना। कैसी बात कर रहे हैं सर, वोट देने का अधिकार, वोट देने का मतलब होता है कि मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही हूं उन तमाम चीजों के लिए जो मेरे देश के लिए बेहतर है, मेरे इलाके के लिए बेहतर है। बोल रहे थे कि 89 लाख लोग जो हैं सिर्फ वोट देने का मतलब सत्ता को हासिल करवाना, सत्ता को हासिल करना नहीं होता। जवाब दे दीजिए शहजाद जी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जवाब चर्चा तर्कों पर होनी चाहिए। जो ऑर्डर जारी हुआ है वो ऑर्डर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ गाइडलाइंस और आरपीए एक्ट 1951 के तहत हुआ है, जिसका कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो प्रोसीजर फॉर्म 6 के हिसाब से यह है कि एक जगह से कटेगा दूसरी जगह पर ऐड होगा, तो ये तो प्रोसीजर लॉ में दिया गया है, तो उसको ऑर्डर में दिया गया नहीं, ऑर्डर ही वो उस लॉ के नीचे जारी हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के कई लोग, जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दिल्ली रहता है, महाराष्ट्र रहता है, मध्य प्रदेश रहता है और कई वर्षों से रहता है, अगर उसने अपना नाम जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल रोल से हटा दिया है उसको पूरा अधिकार संविधान के तहत और भारत के कानून के तहत है कि वो मध्य प्रदेश में वोट देगा और वो वोट मध्य प्रदेश में अपनी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देगा जहां पर उसकी मूलभूत समस्याएं हैं। वो जम्मू कश्मीर के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट क्यों देगा जहां पर उसको उसका ना घर है ना वो वहां रह रहा है? वो तो मूलभूत तरीके से लोकतंत्र का मतलब यही है कि आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, तो उसको पूरा अधिकार है। जम्मू कश्मीर के कई लोग तो दिल्ली में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, परंतु भारत का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदे तो ये क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं खरीदना चाहिए, ये खिलाफ है, ये बाहर वाले लोग हैं, ये भारी लोग हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इनसे, इन्होंने कहा कि भाई क्या बदला है क्या नहीं बदला है कश्मीरी पंडितों के विषय में, उन्होंने कहा, मुझे एक बात बताइए, और युवाओं के विषय में उन्होंने कहा, भाई बताइए मुझे कि 15,000 करोड़ 70 वर्ष में इन्वेस्टमेंट आया, 56,000 करोड़ है, 4 मेडिकल कॉलेज बनी 70 वर्ष में, आज 9 मेडिकल कॉलेज बन चुकी है, पहले आरटीआई एक्ट आरटीएक्ट ये कुछ लागू नहीं होता था, आज वो सारी चीजें लागू हो रही है, पहले किसान सम्मान निधि नहीं दिया जाता था, आज 11 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि है, आज 3.5 लाख घरों में रोशनी स्कैम होता था, रोशनी स्कीम के तहत आज वहां पर घर में बिजलियां पहुंचाई गई है, आज पहली बार, अरे भाई आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, आपको तो सुनना है ना क्या किया है हमने, हम आपको 3 साल का अकाउंट दे रहे हैं, आपको 3 साल का अकाउंट दे रहा हूं प्राची जी, मैं 3 साल का अकाउंट दे रहा हूं प्राची जी, 3 साल का अकाउंट दे रहा हूं। देखिए एक एक करके बात रखेंगे तो बेहतर होगा, देखिए एक एक करके बात रखेंगे तो एक ही आंकड़ा देता हूँ 42, एक ही आंकड़ा देता हूँ, देखिए सुन लीजिए कृपया करके, इस प्रकार से बीच में बोलने से कुछ होगा नहीं हासिल प्राची जी, मैं अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, अपने समय में बोलिए, आप खंडन कर दीजिए उसका, आप बोलिएगा ना शौकत जी, आप बता दीजिएगा कि शहजाद कितना झूठ बोल रहे हैं, मैं आपके पास, पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए इन्होंने बोला, शौकत जी एक सेकंड, कोई नहीं सुन पाएगा। हाँ देखिए, एक समय था कि 42,000 लोगों को आतंकवाद की भेंट चढ़ा दिया गया, आज 42,000 लोगों की आतंकवाद की भेंट से हटकर आज टूरिज्म हॉटस्पॉट ऐसा बना है कि 1,62,00,000 टूरिस्ट इस वर्ष आए जम्मू कश्मीर। मेरा केवल एक ही सवाल है, ये कहते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए क्या, मैं इसी पॉइंट पर आ रही हूं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की अभी किस तरीके से, बहुत अच्छा सवाल, उसी पर मैं, उस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता ना, जब सब कुछ इतना अच्छा है तो लोगों को पलायन क्यों करना पड़ा, लोगों के दिलों में डर क्यों है? हाँ उसी पर मैं आ रहा हूं, मुझे केवल 30-40 सेकंड दे दीजिए क्योंकि थोड़ा इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, जब से 370-35 से हटा है लोगों को डोमिसाइल भी दिया गया है, कश्मीरी पंडितों के लिए रिलैक्सेशंस भी की गई है हायर एजुकेशन में, केवीज में, वहां पर रिजर्वेशन रूल्स भी बदले गए, पहली बार अधिकार मिला है कि अपनी प्रॉपर्टी जो इन लोगों ने हड़प ली थी
थी उसको क्लेम भी कर सकते हैं, परंतु और कई अलगाववादियों पर कार्रवाई भी हुई है, आप देख सकते हैं यासीन मलिक से लेकर IAF वाले जिनको मारा था उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, सब ट्रायल चल रहा है, परंतु पुनर्वास से पहले पश्चाताप होना जरूरी है। कश्मीरी पंडित निकले क्यों थे? ये भेड़ बकरी नहीं है कि इनको उठाकर आपने फिर से कश्मीर में डाल दिया। वो निकले इसलिए थे क्योंकि जिस प्रकार का वहां पर वातावरण बना था इस्लामिक जिहाद का, क्या आज उसका खंडन करते हैं? रलीफ सलीफ गलीफ के जो नारे निकले थे आरती टिक्कू के घर के बगल से, क्या आज वो सोच का खंडन करते हैं? क्या वो लेकिन देखिए अभी भी जो घटनाएं हैं वो रुक नहीं रही है ना, एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु आज सोच में बदलाव की जरूरत सबसे ज्यादा है। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, यासीन मलिक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, पूछिए पीडीपी के प्रवक्ता से उनको यासीन मलिक को टेररिस्ट मानते कि नहीं मानते। सर ठीक है, लेकिन देखिए टारगेट किलिंग को लेकर तो सवाल पूछा जाएगा कि अभी बिल्कुल वो चाहते ही नहीं है कि वातावरण बने नहीं, इसीलिए तो हम वो करते हैं टारगेट। इफ्राजान जी, अब इस बात का जवाब आप भी दे दीजिए। आरती टिक्कू जी को आपने शायद सुना होगा जिन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है वोटिंग का अधिकार मिलना। जी देखिए, आज पिछले 100 दिन से कश्मीरी पंडित जो प्राइम मिनिस्टर्स रिहैबिलिटेशन पैकेज के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिनको वापस लाया था, आज पिछले 100 दिन से वो सड़कों पे बैठे हैं कि उनको कश्मीर से बाहर निकलना है। जो बार बार टीवी पे कहते हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को निकाला, ये एक नॉर्मलाइज्ड बिगट्री है, जहां पे एक आम कश्मीरी मुसलमान जैसे मैं टेलीविजन पे बैठी हूँ बोला जा रहा है कि ये वो है जिसने उनको निकाला, जबकि तब मैं पैदा तक नहीं हुई थी ताकि मेरी कल को लिंचिंग हो जाए। इस नॉर्मलाइज्ड बिगट्री की मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, चाहती हूँ कि ये बिगट्री इतनी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। आते हैं वापस अपने टॉपिक पे वोट्स के राइट पे। ये कहते हैं जब पूरे इंडिया में वोट्स मिलने चाहिए तो जम्मू और कश्मीर में क्यों नहीं? मुझे बताइए, लद्दाख जो इस टाइम पे यूनियन टेरिटरी आपने दूसरी बनाई, क्या वहां पे आपने वोटिंग राइट्स दिए किसी बाहर वाले को? नहीं। आप लद्दाख के लिए एक रूल और जम्मू वाले के लिए दूसरा रूल क्यों कर रहे हैं? क्या जम्मू का इंसान आपका अपना इंसान नहीं है? जम्मू वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों, लद्दाख वाले के साथ क्यों नहीं? और तीसरा लास्ट सवाल मैडम मेरा रहेगा, ये कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर कोई बाहर का आता है, ये तो रूल्स के हिसाब से हो रहा है। जब आप ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ के आपको पता चलता है ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये ऑर्डर कैसी बात कर रही हैं आप इफ्रा जी? मैं फिर आपको बीच में टोकूंगी, फिर आप मुझसे कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैं कैसे सुनूंगी? बार बार आप बाहरी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। पहली बात तो मुझे इस बात को लेकर आपत्ति है। हिंदुस्तान का कोई भी शख्स किसी भी राज्य में रह सकता है, वहां पर नौकरी कर सकता है, वो बाहरी नहीं हो सकता है मैडम, पहले इस बात को समझ लीजिए। और उसे वोटिंग का राइट मिलेगा, ये देश का संविधान है इफ्रा जी। मैं काउंटर तो करूंगी ना आपको बीच में, अगर आप ये सोचेंगी कि मैं बीच में आप सिर्फ बोलती रहेंगी और मैं अपनी आपत्ति भी दर्ज नहीं कराऊंगी तो ये नहीं हो सकता है। बात वोटिंग राइट्स को लेकर चल रही है, मुझे अपनी बात खत्म करने दे दीजिए। जहां तक अगर आप ऑर्डर के रूल्स पढ़ेंगी, ऑर्डर के रूल्स में लिखा है कि अगर किसी इंसान के पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिस डॉक्यूमेंट से प्रूफ हो सकता है कि वो वहां का रेजिडेंट है, मेरे पास इफ्रा जी वक्त खत्म हो रहा है, तो आप इन तमाम पॉइंट्स को लेकर बहस कर सकती हैं, लेकिन ये कह देना कि बाकी लोगों को आप वोटिंग राइट्स मत दीजिए ये गलत है और इस पर आपत्ति है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर एक शख्स को वोटिंग राइट होने चाहिए जो वहां कई सालों से रह रहे हैं, ताकि वो उन हालातों को समझे और अपने लिए सरकार को चुन सके। शहजाद, मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। इफ्रा जी बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।